संयम की रक्षा के निमित्त निकलता है, कुछ जीव जंतु होते हैं तो वो आहारक पुतला निकल के तीर्थ आदि की वंदना कराता है, पुतला निकल जाता है, औदारिक को जाना नहीं पड़ता, औदारिक शरीर से वो जीव मर जाए तो पुतला निकल के दर्शन करा, उससे नहीं मरते, आहारक शरीर होता है। पांच प्रकार के शरीर, इनके अंदर आंगोपांग कालमान शरीर के आंगोपांग होते हैं, आठ कर्मों के आंगोपांग होते हैं, आहारक शरीर आहारक क्यों नहीं होते, आहारक के होते हैं तेजस के, तेजस के नहीं होते, विक्रिय के नहीं होते, नहीं होते विक्रिय, देवों के हाथ पांव है कि नहीं, तो आंगों पांव नहीं होते, तो फिर आपके नहीं होते, हाँ विक्रिय के होते हैं, औदारिक के होते हैं, आहारक के, आरक के होते हैं कि नहीं होते, आरक मुनिराज के जो आरक शरीर निकलता है उसके होते हैं कि नहीं, हाथ पेड़ नहीं होते उसके, होते हैं उसके भी होते हैं, उसके भी तेजस और कालमान के नहीं होते, उसके अंगों पांग नहीं होते, इसलिए कितने शरीर के अंगों पांग हुए, तीन, औदारिक एक्रिय और आरक, ये पिंड प्रकृति है, इसे तीन भेद है, गति जाति शरीर अंगों पांग संस्थान, संस्थान माने शरीर के आकार प्रकार, तो कितने प्रकार के होते हैं, छह प्रकार के, किसी का शरीर नाभि के ऊपर लंबा है नीचे छोटा है, किसी का नाभि के ऊपर छोटा है नीचे लंबा, टांगे देखो इतनी लंबी, आदमी इतना सा ऊपर, किसी का ऊपर इतना सा है, पांव जरा से ऊपर बहुत लंबा, हाथ लंबे लंबे, पांव जरा से, किसी की कुबड़ निकल रही है, कोई बोना है, कोई का कुछ भी है, कैसा है ये समझ में नहीं आता कि क्या कहें इसको, और कोई के सब बिल्कुल सब बराबर, ऐसे छह प्रकार के संस्थान है, संगठन है, हड्डी की ताकत है, किसी के सब हड्डियां वज्र की है, किसी की कमजोर है, सब तरह की हड्डियां है, संस्थान के छह भेद है, संगठन के छह भेद है, स्पर्श रस गंध वर्ण के भेद, ऐसे ये पिंड प्रकृतियां कहलाती, कितनी है पिंड प्रकृतियां, 42 में से 14 के तो ग्रुप है, ये 14 ग्रुप प्रकृति है, ग्रुप है इनके 14, मैंने 14 ऐसी प्रकृतियां जिनके वो उत्तरोत्तर भेद हो रहे हैं, जैसे गति जाति शरीर अंगोपांग संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्ण अनुपूर्वी, ये सब ग्रुप है, ये सब इनके अंदर एक एक के अलग अलग मेंबर है, जैसे गति के कितने मेंबर है, 4, ये सब कर्म कांड के सोशल ग्रुप है, ये सब कोई सोशल ग्रुप की संख्या नहीं होती ना फिक्स, किसी के कितने मेंबर हो सकते हैं, अपनी इच्छा हुई मेरी इच्छा हुई कर मैंने बना दिया है, कुछ कर सकते हैं, जितने 4 मिल गए 4 से ही, 5 मिल गए 5 से ही, 6 मिल गए 6 से ही, 3 मिल गए 3 से ही, 3, 4, 5, 6, 2 मिल गए 2 ही सही, लेकिन ऐसे इसके भी 2 मिल गए 2 का भी एक ग्रुप बन सकता है, इसलिए इसमें संख्या निश्चित नहीं है, तो 14 तो ग्रुप है ही, जैसे गति ग्रुप है, जाति है, शरीर है, अंगोपांग है, संस्थान है, साधन है, स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, अनुपूर्वी है, वायु गति है, अनुपूर्वी वायु गति और बंधन और संघात, ऐसे 14 ग्रुप है ये, 14, इन 14 ग्रुप के 65 मेंबर है, कितने मेंबर है, 65, गति के कितने मेंबर है, 4, जाति के 5, एक इंद्रिय से 5 इंद्रिय जाति, शरीर के 5, और जितने शरीर के उतने बंधन के, जो नाम शरीर के भी बंधन के नाम, शरीर का बंधन होना आपस में, उद्गल परमाणुओं का आपस में बंधन होना, संघात मतलब उद्गल परमाणुओं का ऐसा बंधन होना कि उसमें बीच में छेद नहीं रहे, छिद्र रहित शरीर की रचना हो, हाँ छिद्र रहित, छेद नहीं होना, जैसा अपने शरीर की रचना है ऐसा नहीं कि पेट में छेद छेद रह गया हो, हाथ में छेद रह गया हो, ऐसा तो नहीं बनता शरीर, तो छिद्र रहित बनता है ना, संघात नाम कर्म के उद्देश्य से आता है, तो जितने प्रकार के शरीर होते हैं उतने प्रकार के संघात और उतने प्रकार के बंधन, परमाणु आपस में बंधन को प्राप्त है, ऐसे बालू रेत जैसे नहीं है
अपन बैठे तो बिखर ही गए, आंख अलग चली गई, पांव अलग चले गए, सब लग गए, ऐसा नहीं होता ना। बिल्कुल अपन बैठ गया अपने मालूम है कुछ नहीं, फिर फिसले गए यहाँ सब। तो वो सब संघात बंधन है, आपस में सब परमाणुओं का बंधन है, संघात छिद्र रहित बंधन। तो जितने शरीरों के नाम है वो बंधन के नाम है, उतने संघात के नाम है। तो पांच ही शरीर है, पांच ही बंधन है, पांच ही संघात है, छह संस्थान है, छह सहनन है, स्पर्श आठ है, रस दो है, रस पांच है, गंध दो है, वर्ण पांच है, बीस है स्पर्श रस गंध वर्ण। कुछ स्पर्श आठ कौन कौन से है? हल्का भारी रूखा चिकना कड़ा नरम ठंडा गर्म, ये तो आप सब रटे हुए होने चाहिए सब इतने दिनों से होने के बाद। रस के कितने भेद हैं? पांच, खट्टा मीठा कड़वा कशा। गंध के दो, सुगंध और दुर्गंध। रंग के पांच, कौन कौन से? काला नीला पीला लाल सफेद, पांच रंग के। ऐसे स्पर्श रस गंध रंग के बीस भेद हैं, ऐसे सब भेद के पैंसठ। अनुपूर्वी किसे कहते हैं? अनुपूर्वी नाम सुनो, अनुपूर्वी का ये कलम है अपने साथ में लगा हुआ है। हाँ, अनुपूर्वी के उदय से क्या होता है कि पूर्व के मरने के बाद इसका उदय आता है। जिंदे जी नहीं आएगा, चिंता ही मत करो, कोई चिंता की बात नहीं। आपकी जिंदगी कितनी बड़ी है समझिए, कितने साल और जियो मैक्सिमम 50 साल, 50 साल बाद इसका उदय आएगा। जब हमारा मरण होगा, मरने के बाद में एक गति से जब दूसरी गति को जाते हैं तो बीच के स्थान पर इसका उदय आता है अनुपूर्वी का। इसका रोल ये रहता है कि ये पूर्व के शरीर के आकार जीव के प्रदेशों का बनाए रखता है। हाथी मर गया, चींटी बनने जा रहा है, तो बीच में आकार क्या रहेगा, हाथी का कि चींटी का? हाथी का रहेगा, चींटी का बन जाएगा, हाथी का रहेगा। पूर्व का पूर्व के शरीर का आकार, उसके आत्मा के प्रदेशों का आकार पूर्व शरीर के समान रहेगा, हाथी के समान। तो किसके नाम कर, कौन से नाम कर के उदय से? अनुपूर्वी के नाम से। अनुपूर्वी के अनुपूर्वी नामकरण का उदय आता है विग्रह गति में, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को जाने के बीच में, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण करने के बीच में जो काल है उसका नाम विग्रह गति है। वहां इसका उदय आता है अनुपूर्वी का, और उसका काम यह है कि पूर्ण शरीर के आकार आत्म प्रदेश बने रहते हैं, माने आत्मा के प्रदेशों का आकार पूर्ण शरीर के अनुसार रहता है। कहलाती अगली गति की अनुपूर्वी, लेकिन आकार पिछले गति के हिसाब से रहता है। नाम क्या रहेगा? जैसे मनुष्य देव बनने जा रहा है तो अनुपूर्वी किसका उदय है? देवानुपूर्वी का, देव गति अनुपूर्वी का उदय है, और आकार किसके जैसा रहेगा? मनुष्य जैसा। समझ में नहीं बात? तो चार प्रकार की गति है, चार ही प्रकार की अनुपूर्वी। विहायो गति, आकाश में गमन करने को कहते हैं विहाय, माने आकाश, आकाश में गमन करने को कहते हैं विहायो गति। अपन आकाश में गमन करते क्या? आपने किया आकाश में? नहीं किया, प्लेन में बैठे। आकाश में गमन करने है, प्लेन में हवा के अंदर गमन करने का मतलब आकाश नहीं है। आकाश किसको कहते हैं? अपन का बैठे आकाश, अपनी गति है कि नहीं? तो किसी की गति अच्छी होती है, किसी की गति खोटी होती है। जैसे कहते हैं ना, इनकी हंस जैसी चाल है, इनकी गधे जैसी चाल है। तो वो हंस जैसी चाल है शुभ व्याय गति नामकरण का उदय, और गधे जैसे चलते हैं ये अशुभ नामकरण अशुभ व्याय गति का उदय। दो प्रकार की चाल होती है, सब लौकिक चीजें लोक में होती ना, सब बातें ऐसी, इनकी चाल गंदी है, इनकी चाल अच्छी है, सब नाम कर्म का उदय। किसी की चाल ही ऐसी चल चलता है, ऐसे ही लगता है जैसे कोई क्या चल रहा है, कोई चलता है तो अच्छा लगता है, चाल अच्छी है बुरी है, तो व्यायोगति नाम कर्म का। तो ये ऐसे 14 ग्रुप है, व्यायोगति के केवल दो मेंबर है, सबसे छोटा ग्रुप यही है, और सबसे बड़ा ग्रुप दो है, संस्थान और संजनन, और बाकी नहीं। सबसे बड़ा है वैसे स्पर्श, देखो यूँ याद कर सकते हो आप, आपको सच में याद करना है कि वैसे मैं छोड़ने के मूड में था इस विषय को, पढ़ना है क्या ये इसको?
पढ़ना है। तो देखो चार चार के ग्रुप बना लो आप, जैसे स्पर्श रास गंध वर्ण, और इन चार चार के ग्रुप के 20-20 मेंबर है। स्पर्श रास गंध वर्ण के 20, संस्थान सहनन गति अनुपूर्वी इन चार के 20, शरीर बंधन संघात जाति, ये बताऊं वापस रिपीट करूं दो तीन बार, शरीर बंधन संघात जाति इन चार के 20, ऐसे 20-20 हो गए, चार चार के 20 हुआ कि नहीं हुआ। देखो फिर बताता हूँ, स्पर्श, स्पर्श तो मालूम है सबको, स्पर्श के 8 भेद है, रस के 5, 8 और 5 13, गंध के 2, 13 और 2 15, वर्ण के 5, 15 और 5 20, ये हो गए 4 के 20। कैसे याद रहेंगे कि नहीं, स्पर्श रस गंध वर्ण के 20 भेद होते हैं, उद्गल के भेद है ना ये सब। अपने शरीर का स्पर्श कैसा होता है, किसी का शरीर का स्पर्श चिकना होता है, किसी का खुरदुरा, कोई हल्का होता है, कोई भारी होता है, कोई रूखा होता है, चिकना होता है, कड़ा होता है, नरम होता है, किसी के शरीर का रस खट्टा, चमड़ी खट्टी। अब चखना नहीं किसी को, मतलब बता रहा हूँ मैं तो रस है उसका रस। किसी के शरीर का वर्ण ऐसा है, कोई काला है, कोई नीला है, कोई पीला है, कोई लाल है, कोई सफेद है, किसी के शरीर की गंध दुर्गंध है, किसी के शरीर में सुगंध है। भगवान का शरीर सुगंधित होता है। तो ये सब नामकरण के उद्देश्य, तो ये 20 भेद स्पर्श रस गंध वर्ण के, ये हो गए 4। अब संस्थान 6 भेद, सहनन 6 भेद, 4 गति 2, मतलब 2 तो सिक्सर, 2 चौके, 2 6 2 4, 2 चौके, संस्थान सहनन गति अनुपूर्वी, जो गति के नाम है वही अनुपूर्वी के नाम, मनुष्य गति नरक तिरंज मनुष्य देव गति, नरक गति अनुपूर्वी, तिरंज गति अनुपूर्वी, मनुष्य गति अनुपूर्वी, देव गति अनुपूर्वी, 4 गति 4 अनुपूर्वी, 6 संस्थान, कौन कौन से 6 संस्थान, समचतुर संस्थान, कुब्जक संस्थान, अरे 2 मिनट सहनन नहीं, अभी मैं बोलूं फिर बोल लेना आप लोग, समचतुर संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, समचतुर संस्थान, न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, कुब्जक संस्थान, और क्या है स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, हाँ संप्राप्ति स्पर्टिका संस्थान, कहीं नहीं हो सहनन है, कहाँ से कहाँ हो समचतुर संस्थान, निग्रोध परिमंडल संस्थान, निग्रोध परिमंडल हो सकता, स्वाति संस्थान, कुब्जक संस्थान, वामन संस्थान, और हुंडक संस्थान, ये 6 संस्थान। कौन कौन से, हुंडक, हुंडक सबसे सबसे गंदा है, कुछ भी उंगली लंबी है, कोई एक उंगली लंबी है, किसी के हाथ लंबे हैं, पांव छोटे हैं, आंख नाक बड़ी है, मुंह बड़ा है, सब ऊट पटांग, देखो तो ऐसा लगे क्या है ये कुब्जक, ये हुंडक, हुंडा गंदा, सबसे गंदा। सब चतुर संस्थान होते सब बराबर, जितनी आंख चाहिए उतनी आंख, जितने कान चाहिए उतने बड़े कान, मतलब सारे शरीर के अंगों पांव समान, मतलब समान प्रपोर्शन में होते, समान अनुपात में होते, कोई बड़ा ज्यादा नहीं, कम ज्यादा नहीं है। हाँ तीर्थंकर के नियम से समझो तो संस्थान सब समान अनुपात, तो और बाकी हुंडक तो सबके कुछ भी हो सकता है, और निग्रोध परिमंडल, स्वाति संस्थान, तो इनमें एक में क्या है, नाभि के ऊपर बड़ा, एक में नाभि के नीचे बड़ा, एक में कुब्जक, कुब्जक में कुबड़े जैसा शरीर, वामन में छोटा, स्वाति, स्वाति में बट निग्रोध परिमंडल है, एक के अंदर एक मुद्दो है, मैं बहुत सारा तो तत्वास की किताब है उसमें है सब दिए हुए, है क्या एक देखना तो एक तो दे देना। तो ये है ना, ये संस्थान 6 प्रकार के, 6 प्रकार के संघनन है, वज्र शन नारासन, हड्डियां वज्र की, वृषभ वज्र के, मतलब हड्डियां, हड्डियों के जोड़, हड्डियों के अंदर कीली,
जॉइंट होते हैं, जॉइंट में कीली होती है, नट नट बोल्ट हड्डी सब सब वज्र की, यू कर दे यू तो ये ढह जाए ये पूरा मंदिर ही। तीर्थंकर की नहीं और भी चरम श्रेणी के सबके वज्रसन होता है, हनुमान जी के वज्रसन का रस ऊपर से गिरे पहाड़ टूट गया, पहाड़ के चूर से गए और जो सातवें दर्ज जाएंगे उनके भी, उनके वज्रसन भी होता है और दूसरा भी होता है। वज्रसन महाराज वाले सातवें जा सकता है, सातवें नरक जाने की पात्रता वज्रसन के अलावा किसी को नहीं होती, गारंटेड कोई जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि वज्रसन वाला नरक ही जाएगा, लेकिन नरक जाने वाला वज्रसन वाला नहीं होगा, दोनों तरफ है। हाँ मोक्ष भी जा सकता है। और फिर इसके बाद में वज्र एक एक चीजें वज्र की नहीं रहेगी, घटती जाएगी, जैसे कीली वज्र की नहीं रहेगी, फिर वो जो बोल्ट है वो वज्र का नहीं रहेगा, फिर हड्डियां वज्र की नहीं रहेगी, आधी कीली रहेगी, फिर नसें नसों से हड्डियां बंधी रहेगी, यूं करो तो सारी हड्डियां इधर उधर हो रही है। जैसे आप लोग ये ना स्थिति कि जरा जब टकरा गए कैसे हड्डी पे लग गई, हाथ लेके चलते तो ये हड्डियां इतनी कमजोर है अपनी, वज्र की नहीं है अपनी, ना वज्र की है ना हड्डियां नसों से बंधी हुई है ये सब। कहते हैं संप्राप्ति स्पर्ट का सहनन, जैसे सांप की जैसी स्थिति, सांप को यूं हिलाओ तो सांप की नसें अलग अलग हो जाती है, और उन सांप को हिलाओ तो बेचारा नसें सब उसकी एक बिखर जाती है, चलने में असमर्थ हो जाता है सांप। ऐसी स्थिति है उसकी, तो वो सबसे छोटा सहनन होता है। छह प्रकार के सहनन है, वज्रसन नारा सहनन, वज्र नाराज, ये वज्रसन नाराज, हाँ वज्र नाराज, नाराज अर्ध नाराज, कीलक, संप्राप्ति स्पर्ट का सहनन, कोई बात नहीं बात सुन लो। कीलक वज्रसन नाराज, वज्र नाराज, नाराज अर्ध नाराज, कीला असंप्राप्ति स्पर्टिका, असंप्राप्ता स्पर्टिका, नहीं समझ लो अपने सब नीचे के तीन लास्ट लास्ट थ्री में से कोई एक असंप्राप्ति स्पर्टिका, अपनी हड्डी में भी ताकत। ऐसा कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि लास्ट ही लास्ट वाला है, जिनवाणी में लिखा है कि लास्ट तीन में से कोई एक हो सकता है, संस्थान भी अपना लास्ट तीन में से कोई एक है, ठीक है। तो शरीर की रचना है सर, तो छह संस्थान छह सहनन, चार गति चार अनुपूर्वी, चार का ग्रुप हो गया कितने हो गए इसके भी 20। अब फिर चार पंजे, चार पंजे कौन कौन से, शरीर बंधन संघात जाति, जाति शरीर बंधन संघात, ये तो तीनों एक जैसे पांच पांच है, उदारी के लिए कारक तेजस कारक, पांच ही शरीर है, पांच ही बंधन है, पांच ही संघात, पांच जाति है, कौन कौन सी, एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री पांच इंद्री, हो गए 20, तो 20 दिया 60 हो गए स्पर्श रस गंध वर्ण ग्रुप के 20, संस्थान सहनन गति अनुपूर्वी के 20, शरीर बंधन संघात जाति के 20, 20 20 20 60, तीन अंगों पांव के नहीं इसमें नहीं होगा वर्णन ज्यादा, चलो दे दो मेरे को देखते हैं इसमें। नेग्रोत परिमंडल, वैसे मैं बताऊं नेग्रोत परिमंडल में वट के ऊपर का बड़ा विचार, वट एक एक सांप जैसा है, एक उसके जैसा है, इसमें नहीं जाना चाहिए सर, देख आपको जानकारी चाहिए हो तो मैं दे देता हूँ, तो कोई जैसे तत्व सूत्र में सब है, पूरा टेबल बनाना सब तब कुछ है इसमें चतुर्वार सूत्र जो है ना, एक ऐसा है जो एक पढ़ ले आदमी तो वो उससे 10 काम हो जाए।
तो इसमें एक की परिभाषा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, क्या इतना काम तो ही नेग्रोथ परिमंडल में तो देख लेना, जो भी है उसको ध्यान नहीं रखना, कंफर्म नहीं हो सकता। कितने हुए अपने संस्थान, साठ हुए ना, पांच और बचे, तीन आंगोपांग वाले, आंगोपांग के कितने मेंबर, तीन आंगोपांग हुए, दो भी आयोग थे आंगोपांग, तीन आंगोपांग कौन कौन से, आंगोपांग बताए थे ना भी, तीन कौन कौन से बताए थे, कौन कौन से शरीर आपको पाम दो व्यायोगति, दो व्यायोगति, शुभ व्यायोगति अशुभ व्यायोग, कितने हो गए 65। तो 14 ग्रुप के नाम याद रख लो आप, 14 के 65 हो जाएंगे। कौन कौन से 14 ग्रुप, इसमें भी कुछ नहीं किया है, सब कुछ भी काम इनमें सब में इतनी चीजें थोड़ी देते हैं डिटेल वाले इनमें वही वाले नहीं है ही सर, इसमें है क्या, इसमें होगा, इसमें क्या, इसमें हो सकता है। पर वो खैर इतना तो पता ही दिया आपको, वो एक इतनी सी आपको ये पता करना है कौन सा ऊपर का होता है कौन सा नीचे। पेशेंट हो गए, कौन बताएगा बताओ पेशेंट के नाम है, वट वृक्ष की तरह नाभि से नीचे पतला ऊपर मोटा हो, नाभि से नीचे पतला और ऊपर मोटा हो वो नेग्रोथ परिमंडल है। नाभि से नीचे, नाभि के नीचे तो क्या होगा पतला और ऊपर मोटा, वो नेग्रोथ परिमंडल है। और स्वाति सांप की बामी की तरह ऊपर पतला और नीचे मोटा, सांप ऊपर पतला होता है, बामी की तरह, तो बामी क्या होती है सांप, अच्छा अच्छा, तो बामी की तरह ऊपर पतला और नीचे मोटा, अरे घुसता और पतला होता है, अच्छा ऐसा रहता है, इसका बिल अंदर ज्यादा लगे रहते हैं, ये बात पहली बार पता चली है, अच्छा अच्छा ख्याल नहीं था। स्वाति संस्थान मतलब वो बिल की तरह जो है वो स्वाति है, और वट वृक्ष की तरह जो है नीचे पतला ऊपर मोटा, वो क्या है नेग्रोथ परिमंडल। ठीक है चलो, हो गई अपनी पूर्ति, ये छह संस्थान है, छह सानन स्पर्श रस गंध वर्ण, छह संस्थान छह सानन चार गति चार अनुभूति, चार ये स्पर्श रस गंध वर्ण, आठ शरीर बंधन संघात जाति, आठ और चार 12 अंगोपांग और व्यायाम गति 14। अब बताओ कौन 14 होता है, आदमी लोगों से पूछेंगे, देखो बोलता हूँ फिर मैं, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये हुए संस्थान सहनन गति अनुपूर्वी, शरीर बंधन संघात जाति, अंगोपांग व्यय होते, ऐसे 14 है। ये पढ़ेंगे कैसे, नहीं तो अपन आगे का पढ़ लेते हैं, चलो आगे का पढ़ लो, क्योंकि ये समझ में कैसे आएगा बताओ इसके बिना, ये सब जो वर्णन है ये सारा वर्णन इन पेशेंट के बिना समझ में आना मुश्किल है, क्योंकि उनका पूरा वर्णन दिया है कि इससे क्या होता है क्या क्या होता है, सारा वर्णन है उसमें। चलो कोई बात नहीं, आप आगे याद कर लेना। तो 65 हो गए, ये कुल कितनी है नाम करके, कितने भेद है कुल, 93, कितने बचे, अट्ठाईस बचे, अट्ठाईस, अट्ठाईस में से 10 तो आधुनिक युग के जोड़े हैं। जोड़े कैसे होते हैं, वैसे जोड़े ऐसे होते हैं, जोड़े तो परस्पर में वो होते हैं ना एक दूसरे के पूरक, लेकिन ये पंचम काल के जोड़े हैं, पंचम काल के जोड़े एक दूसरे के प्रतिद्वंदी, माने एक का उदय होगा तो दूसरे का नहीं होगा, एक का बंधन होगा तो दूसरे का नहीं होगा, परस्पर में एक दूसरे के विरोधी,
त्रस और स्थावर, बादल और सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, साधारण प्रत्येक, शुभ अशुभ, स्थिर अस्थिर, सुभग दुर्भग, आदे अनादे, यशस्कृति अयशस्कृति, सुभग दुर्भग, ऐसे प्रतिपक्षी युगल है, दस जोड़े हैं। दस है ना, दस के कितने हो जाते हैं? बीस। एक बताऊंगा मैं एक मिनट वापिस से, तो बीस तो ये हुई, और आठ ब्रह्मचारी प्रकृतियां हैं। ब्रह्मचारी मतलब वो अपने इंडिविजुअल है, उनका किसी से कोई लेना देना ना, वो किसी ग्रुप में है ना किसी जोड़े की है, वो खुद अपनी है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति, उसका किसी ग्रुप में नहीं है, वो किसी जोड़े की नहीं है। तीर्थंकर है, आतप है, उद्योत है, अगुर लघु है, उच्छ्वास है, निर्माण है कि नहीं, और परघात है, उपघात है, ये सब स्वतंत्र है, इनका किसी से कोई संबंध नहीं। जैसे प्रतिपक्षियों में तो नियम है कि एक होगी तो दूसरी नहीं होगी, लेकिन ये जो प्रत्येक प्रकृति है, इनका किसी का किसी के साथ नियम नहीं है। ये उदय हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो। ऊपर घर का उदय हो तो हो, नहीं हो तो ना हो। तीर्थंकर का उदय हो तो हो, नहीं हो। लेकिन इन दस में ऐसा नहीं है, इन दस में तो एक का प्रतिपक्षी में एक का उदय होगा, दूसरे का नहीं होगा। दस का उदय है, उदय है स्थावर का नहीं, साधारण का है तो प्रत्येक का नहीं, बादल का है सूक्ष्म का नहीं। तो ऐसे ये प्रतिपक्षी में एक का उदय, समझाने की नहीं बात। तो ये 28 हो गई, 10 तो प्रतिपक्षी, 10 के जोड़े 20, और 8 प्रत्येक प्रकृति, 28। कौन सी प्रत्येक? आतप, उद्योग, अगुण लघु, उच्छ्वास, उद्घार, परघात, निर्माण, तीर्थंकर, ये 8 प्रत्येक। ऐसे कुल मिला के नाम कर्म की 93 प्रकृति। अब ये क्या है, क्यों याद नहीं मालूम? ये कई पुराने लोगों को याद हो सकता है, लेकिन किनको? जिन्होंने तत्वार सूत्र के सूत्र जी याद किए हों उनको, क्योंकि तत्वार सूत्र का एक सूत्र में इन सबके नाम है। क्या वो एक सूत्र वो याद किया हुआ जिंदगी में, वो बहुत हेल्प किया मेरे को। वो एक सूत्र है केवल, बहुत बड़ा सूत्र है वो, लेकिन वो एक सूत्र याद हो जाए तो 93 नाम याद आ जाए। देखो सूत्र बताता हूँ, गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अनुपूर्वी, अगुण लघु, उद्घात, परघात, आतंक, उद्योग, उच्छ्वास, गायोगत्य, त्रस, पर्याप्त, स्थिर, आदे, यशस्कीर्ति, सुभग, सुस्वर, शुभ, सुस्वर, यशस्कीर्ति, सेत्राणी, तीर्थंकरत्वं च, इतना बड़ा सूत्र है। लेकिन एक सूत्र में सब आ गई, 8वां अध्याय, 8वां अध्याय का सूत्र है। तत्वार सूत्र किसको याद है पूरा? बहुत बढ़िया तरक्की है अपने ग्रुप में, एक को भी याद नहीं था तत्वार सूत्र पूरा। क्या कोई बात नहीं, क्या अच्छा है याद करेंगे, पढ़ेंगे, कुछ नया सीखेंगे इसमें, और क्या। और उसमें एक में है ये सब, तो उसका वर्णन चलेगा। अब इनके क्या काम है देखो, त्रस और स्थावर का क्या काम है तो सबको समझ में आ जाएगा। त्रस के उदय से जीव क्या बनता है? दो इंद्रिय से बच्चे, स्थावर के उदय से एक इंद्रिय, बादल और सूक्ष्म, बादल के उदय से उसका शरीर कैसा रहेगा? बादल, और सूक्ष्म के उदय से उसका शरीर सूक्ष्म रहेगा। बादल मतलब नहीं, जब बादल जो किसी को रोक दे, किसी से रुक जाए, वो शरीर बादल है। जो शरीर ने किसी को रोके न किसी से रुके, सूक्ष्म शरीर अपना कौन सा बादल है? सूक्ष्म किसका होता है? सूक्ष्म शरीर किनका होता है? केवल एक इंद्रिय, एक इंद्रिय के दो भेद है, सूक्ष्म और बादल, केवल एक इंद्रिय में भेद है। दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के सबके शरीर बादल ही होते। साधारण और प्रत्येक, साधारण मतलब साधारण माने जनरल कंपार्टमेंट, एक सीट, हजार मालिक,
एक शरीर अनंत जीव स्वामी वो साधारण शरीर निगो दिया, एक शरीर में अनंतानंत जीव अक्षय अनंत जीव एक एक शरीर में, मैंने एक शरीर के अनंत जीव स्वामी उनका सबका समान होता है। समान होने से कहलाता है साधारण, आहार समान, श्वासोच्छ्वास समान, आयु समान, जन्म मरण सब समान है, एक समान है, साधारण है, कॉमन, इसलिए साधारण एक शरीर के अनंत स्वामी। और जब एक शरीर का एक स्वामी है सबका अलग अलग, प्रत्येक का अलग अलग है, प्रत्येक है, तो साधारण केवल वनस्पति में होते हैं, बाकी किसी में नहीं होते। वनस्पति के भेद है साधारण और प्रत्येक, वनस्पति का एक है, मतलब एकेंद्री के अंदर भेद है ये साधारण प्रत्येक, और एकेंद्री में भी केवल वनस्पति का एक, और किसी में साधारण प्रत्येक के भेद नहीं। तो ये दो नाम कर लिए, अपने को क्या क्या होता है साधारण प्रत्येक में से, किसी का नहीं, प्रत्येक का है, प्रत्येक का है, केवल वनस्पति का एक के अंदर दो भेद है, बाकी सबको प्रत्येक ही होता है, ठीक है ना। जैसे पर्याप्त अपर्याप्त, छह पर्याप्ति, पर्याप्तियां पूरी हो, पर्याप्त पर्याप्ति पूरी नहीं हो, पर्याप्ति पूरी होने के पहले मरण हो जाए, पर्याप्ति पूरी नहीं हो मरण हो जाए, अपर्याप्त नाम कर्म का होता है, पर्याप्ति पूरी हो पर्याप्त नाम कर्म का होता है, पर्याप्ति होती है, पर्याप्ति माने पूर्णता, शरीर को पूर्ण करने की, श्वासोच्छ्वास को शरीर है, हाँ पर्याप्ति छह ने पर्याप्ति क्या होती है उनका प्रश्न है। जैसे आर वर्णना होती है उनके परमाणुओं को खल रस भाग रूप परमाने की शक्ति होती है, मतलब अपना अभी शरीर बन रहा है ना आपका, बन रहा है, तो ये शक्ति अपने अंदर पहले निष्पन्न हुई है, कौन सी शक्ति की, जिससे अपन आगामी काल में वो जो परमाणु है उन परमाणुओं को खल रस भाग, फिर जो खल और रस भाग है मतलब सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड से बनती हड्डी, लिक्विड से बनता खून, और फिर इंद्रियों के आकार बनते हैं, आकार से उनको इंद्रियों के विषय ग्रहण करने की शक्ति होती है, श्वासोच्छ्वास की शक्ति होती है, भाषा वर्णना के परमाणुओं को मन रूप भाषा रूप अणमाने की शक्ति होती है, मनोवर्णना के परमाणुओं को मन रूप अणमाने की शक्ति होती है, ऐसे छह प्रकार की शक्तियाँ होती है जो आत्मा में डेवलप होती है अंतर्व्रत के अंदर, फिर कालांतर में उन शक्तियाँ निष्पन्न होने के कारण से उन उस शक्ति निष्पन्न हो गई ना, तो वो परमाणुओं को शरीर रूप अणमाना, भाषा वर्णना के परमाणुओं को भाषा रूप, मनोवर्णना के परमाणुओं को मन रूप, तो वो सब अपना आप काम चलता रहता है। अब अपने को चिंता नहीं करनी पड़ रही कि भाई शरीर क्या बने, अपने आप हो रहा है काम, तो वो शक्ति डेवलप हो गई अपने अंतर्मुहूर्त में, जो शक्ति पैदा हो जाती है जिसके कारण से वो आगामी काल में उन परमाणुओं को शरीर आकार रूप परमा सके, परमाणु अपने आप शरीर बन जाएंगे, शरीर का हिस्सा बन जाएंगे, भाषा अपने मतलब भाषा परमाणु भाषा रूप परिणम जाएंगे, मनोवर्णा के परमाणु मन रूप परिणम जाएंगे, ऐसी शक्ति है। तो शक्ति निष्पन्न पहले होती है अंतर्मुहूर्त में, और फिर उस शक्ति का काम तो जिंदगी भर चलता रहता है। लोन पास हो गया, मकान बन गया, मकान तो बनता रहेगा दसों साल, लोन पास हो गया, लोन पास हो गया तो शक्ति आ गई, ऐसे इन शरीर को निष्पन्न करने की, भाषा बोलने की, मनो से सोचने की शक्ति मिल गई, शक्ति मिलने का नाम पर्याप्ति, पूर्ण हो गया, पोटेंशियल आ गया उसमें, तो शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति कहते हैं, वो एक अंतर्मुहूर्त में आ जाती है, जन्म लेती एक अंतर्मुहूर्त में जीव में शक्ति निष्पन्न हो जाती है, जिससे कालांतर में वो इन परमाणुओं को शरीर रूप परमा सके, तो शक्ति की पूर्णता को पर्याप्त कहते हैं। अपन सब पर्याप्त है, अपर्याप्त जीव भी होते हैं, उनकी शक्ति पूरी नहीं होती, मर जाते हैं अंतर्मुहूर्त में, मर जाते हैं, अधिक से अधिक आयु होती है अंतर्मुहूर्त, छोटी से छोटी हो तो भी अंतर्मुहूर्त है कि छोटी आयु में श्वास का 18 भाग उसमें मर जाते हैं, एक श्वास के 18 भाग इतनी छोटी आयु होती है, पर्याप्ति पूरी नहीं होती, बहुत खतरनाक प्रकृति है अपर्याप्त नाम कर, मनुष्य आयु मिली अपर्याप्त नाम कर्म का उदय रहा, अंतर्मुहूर्त गायब, गायब मतलब अंतर्मुहूर्त में आयु पूरी गायब, क्या काम है उसको, आयु बट्टे खाते गई ना, मनुष्य आयु मिली लेकिन अपर्याप्त नाम कर्म का उदय रहा, उसे कुछ लाभ नहीं हुआ उसका, जैसे पर्याप्त अपर्याप्त तो हो गई ना, कितनी त्रास स्थावर बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त साधारण प्रत्यय, चार तो ये हो गए जोड़े, छह जोड़े हो रहे,
शुभ अशुभ, शरीर के अव्यय अच्छे हो शुभ हो, शुभ नाम करो दे, शरीर के अव्यय असुभाव में हो अशुभ नाम करो, सुभग दुर्भग सुहाव मतलब सौभाग्यवान हो भाग्य हो दुर्भाग्य हो तो सौभाग्य हो शुभ नाम करो दे, घुट भाग्य ना हो दुर्भग नाम करो दे, आधे लोगों को प्रीति कर लगे, लोगों को प्रीति उत्पन्न हो देखते ही, अनादे लोगों को प्रीति उत्पन्न हो, अच्छा काम करे कितनी प्रीति उत्पन्न हो, स्थिर अस्थिर स्थिर शरीर के अंगों पांव स्थिर रहे, धातु धातु ठिकाने रहे स्थिर है और शरीर की धातु धातु ठिकाने नहीं रहे, खून कभी इधर उड़ जाए कभी क्या जा रहा है कभी उधर जा रहा है, तो अस्थिर नाम कर पाते यशस्कृति, यश पहले अपयश पहले, यश पहले मैंने अपने को लगे कि मेरा यश फैल रहा है, यश फैलने का नाम यशकृति नाम करनी है, अपने को अनुभव में ऐसा लगे कि मेरा यश फैल रहा है यशस्कृति का, अपने को अनुभव में लगे मेरा अपयश फैल रहा है अपयशकृति नाम करूंगा, सुस्वर दुस्वर गधे जैसा स्वर मिले बोले तो ऐसा लगे कोई गधा आ रहा है, कोयल जैसा सूर्य दिया हुआ सुस्वर दुस्वर नाम करता हो गए दस हो गए कि हुए कि नहीं हुए, कौन कौन से बताओ, त्रस स्थावर बादल सूक्ष्म पर्याप्त अपर्याप्त साधारण प्रत्येक शुभ अशुभ स्थिर अस्थिर शुभ दुर्भ आदे अनादे सुस्वर दुस्वर यशकृति अयश, अपने को किस किस का होता है बताओ, कुछ एक तो बता सकते हो आप सोच के किस किस का होता है, त्रस का प्रत्येक का है का शुभ शुभ मान अच्छी, देखो त्रस का पक्के में है बादल पर्याप्त प्रत्येक चार फिक्स है ना अच्छे है, अब जो मान लो अपन सुस्वर का नाम कर पाते हैं सुस्वर यशस्कृति अनुभव में रहती है यशस्कृति का होता है लोगों को प्रीति कर लग रहे तो आधे शरीर के धातु धातु ठिकाने तो स्थिर है अंग पांग सुंदर है तो शुभ है क्या अच्छा भाग्यवान होगा तो सुबह ये सब अपने हिसाब इसका चलता रहता चेंज होता रहता है, छो का ये ध्रुव उदय नहीं है लेकिन उन चार का ध्रुव उदय मनुष्य पर्याय होता है, वो चार का जिंदगी से जन्म से मरण तक पूरा उदय है, किन चार का रस का बादल का पर्याप्त का प्रत्येक उन चार का तो उदय पक्के लेकिन ये बदलते रहते हैं एक समय में एक रह लेकिन बदलते रहते हैं ना, कभी अपने सुभग का उदय होता है कभी दुर्भग का कभी यशस्कृति का कभी अयशस्कृति का कभी आधे का कभी अनादे का, ये बदल सकते हैं है? अंतर्मुहूर्त में वो चार नहीं बदलेंगे लेकिन वो चार फिक्स है क्योंकि जिंदगी में जब मनुष्य आयु मिली है तो त्रस है वो जब तक मनुष्य बादल है पर्याप्त है प्रत्येक है लेकिन शुभ अशुभ स्थिर अस्थिर सुभग ये सब बदलते हैं, इसमें भी चार शुभ इस आया है सुबह दुर्भ बदलता रहता है कभी भाग्य अच्छा है कभी कोटा यश कीर्ति कभी यश कभी लोग अच्छे लग रहे हैं बुरे लग रहे हैं कभी स्वर अच्छा हो रहा है कभी बुरा हो रहा है ऐसा है, आगे के लिए समझ में कितने सारे चीजें 65 और 20 85 हो गई अब 8 और है, 8 क्या एक तो अगुण लघु है शरीर न भारी हो न हल्का हो न इतना भारी हो कि अपने चलने में मेरे से तो नहीं उठता मेरा शरीर ऐसा भारी नहीं है इतना मतलब कोई कितने ऐसा भी हो लेकिन उसको अपना शरीर भारी नहीं लगता, जैसे किसी किसी को अपन देखो बहुत मोटा हो लेकिन उसको वो मोटा नहीं दिखता वो तो अपने आराम से चलता है, ऐसे ही किसी का शरीर बहुत हल्का भी हो तो उसको हल्का नहीं लगता उसको तो लगता है ठीक है बिल्कुल बढ़िया है, तो ये अपना शरीर न तो अधिक भारी है न हल्का है, अगुरु लघु है ना गुरु है मैंने भारी गुरु माने भारी लघु माने हल्का तो ना भारी है ना हल्का है ऐसा शरीर सबको मिलता अगुरु लघु नाम करता हूँ निर्माण शरीर के निर्माण हाँ बहुत सही जगह है
भगवान के गुणों में भी अगुण लघु है, अगुण लघु नाम का गुण भी है, शक्ति भी है, सामान्य गुण भी है, कर्म भी है, सबका अर्थ अलग अलग है, जहां जो अर्थ लगाना वाला है ना, उस शब्द अलग अलग है, उसका अर्थ अलग अलग है, शब्द एक ही अर्थ अलग अलग है। अगुण लघु के निर्माण, शरीर का निर्माण होना, हम लोग पांच सबका निर्माण हुआ, निर्माण काम करते हो, जैसे उपघात अपने शरीर के अवयव ऐसे हो कि जिससे अपने ही घात हो जाए, एक गाय होती है, क्या नाम है उस गाय का मालूम है, एक गाय उसके उसके पूछ है, क्या नाम याद नहीं आ रहा उस गाय का मेरे को, उस गाय के बाल होते हैं अच्छे बड़े, वो गाय चलो छोड़ो, हाँ सिंह सिंह क्या कहते हैं सिंह जिसके होते हैं, बारह सिंह का फंस जाते हैं, उसका सिंह उसके प्राणों के घात के कारण हो जाता है, तो अपने अंगोपान अपने घात के निमित्त हो जाए, वो घात का होता है, हाँ वो पूछ पता नहीं कौन सी गाय है, हाँ वो भाग नहीं सकती है, मेरी मेरी पूछ कक्षा हो, फलघात नामकरण का उदय होता है, तो उसके उदय से अपने शरीर के अंगों का अपना और दूसरों दोनों के घात करने में निमित्त होता है, खुद का भी घात करने दूसरे का भी करने, तो दोनों के घात करने में निमित्त है, दोनों में दूसरे का घात करने में निमित्त परघात है, अपना घात करने में निमित्त है वो उपघात है, अपने अंगों पर अपना घात करे उपघात, पर का घात करने में निमित्त परघात, तो अगुण लघु निर्माण उपघात परघात चार हो गए, तीर्थंकर तो सबको मालूम है, जिस नामकरण के उदय से तीर्थंकर प्रकृति का उन्हें समोषण आदि की रचना हो, ये सब हो तीर्थंकर नामकरण का उदय, पांच छठा श्वासोच्छ्वास, श्वास लेना छोड़ना शक्ति है अपने में, श्वासोच्छ्वास नामकरण का उदय, पर्याप्ति पूर्ण हुई है श्वासोच्छ्वास जिसके कारण श्वास लेने निकालने में समर्थ है, पर्याप्ति पूरी नहीं होती तो श्वासोच्छ्वास प्राण नहीं मिलता, पर्याप्ति पूरी है इसलिए, ऐसी आतप और उद्योग, आतप सूर्य के बिंब में पृथ्वी का एक जीव होते हैं, उनका आतप होना उनकी प्रभाव होती है, वो उष्ण होती है, सूर्य के बिंब में रहने वाले जो पृथ्वी का एक केंद्रीय जीव है बादल पर्याप्त तक, उनके शरीर की प्रभाव उष्ण है, खुद उनका शरीर शीतल होता है, सूर्य स्वयं अपने आप में शीतल है लेकिन सूर्य की प्रभाव उष्ण है, और चंद्रमा स्वयं भी शीतल है और उसकी प्रभाव भी शीतल है, तो चंद्रमा को उद्योग नामकरण का उदय है, सूर्य को आतप नामकरण का उदय, सूर्य के बिंब में रहने वाले पृथ्वी का एक जीव को, देव को नहीं, सूर्य के बिंब में जो पृथ्वी का एक जीव है उनको कौन सा उदय है, आतप नामकरण का, चंद्रमा के बिंब में रहने वाले जो पृथ्वी का एक जीव है उनको उद्योग नामकरण का, और भी उद्योग का उदय होता है, उद्योग माने जुगनू, जुगनू का भी उद्योग का उदय है, उद्योग होता है ना रात में, तो उद्योग नामकरण के उदय से ऐसे ये 93 नामकरण के भेद है, श्वासोच्छ्वास दे रहे हैं, सांस लेना छोड़ मिली किससे, श्वास लेना छोड़ नाम कर्म के लिए, सब चीजों का काम है, तो ये 10 प्रकार के 8 प्रकार की एक केंद्रीय 8 प्रकार की प्रत्येक प्रकृति है, 10 जोड़े हैं, 14 समूह हैं, ऐसे कुल मिला के 93 है, अब 14 वो और 10 जोड़े 14 और जो 10 जोड़े कितने हो गए 24, 14 और 20 34 और 8 प्रत्येक 34 और 8 42, ये 42 कहलाती पिंड प्रकृति, क्या इनके नाम पिंड प्रकृति, 42 है पिंड और फिर उत्तर प्रकृतियों के भेद करो तो कितने हो जाते 93। अब एक काम करना, मैं होमवर्क देता हूँ अपने को भी, मनुष्य गति में कितनी प्रकृतियों का उदय चल रहा है ये निकालेगा कितने का होगा 93 में से, ठीक है, अभी तो अपना टाइम हो गया, बाकी कल करेंगे।